Further, the cash was also withdrawn by both accused. They purchased properties in their own name and in the name of relatives in Bahariya town, Rawalpindi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, सोचा आपको बी फॉर यू की लेटेस्ट अपडेट से आगाह कर दूं, क्योंकि बी फॉर यू के कुछ मेम्बरान ने रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी अब क्या होगा, सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है। जो बी फॉर यू के मेम्बरान हैं वो ये कहते हैं कि सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी का अदालत ने 10 लाख रुपये का आर्डर किया, जबकि जो एडम अमीन चौधरी है उसका 7 करोड़ रुपये का आर्डर किया। तो आप बताएं, जो उनके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो खुद जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं, राजा रियाज, वो आवाम को कहते हैं कि आप 2-3 दिन सब्र करें तो सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी एक वीडियो पैगाम आपको देगा, उसमें सारी चीज़ें वाजिया हो जाएंगी कि सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी कब इस मुल्क से फ़रार होगा, क्योंकि राजा रियाज की तो अपनी रोटियाँ लगी हुई हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आमिर मुग़ल, मलिक नवीद और 2-4 और लोग हैं जिनके अनकरीब वारंट गिरफ्तारी जारी होने लगे हैं, क्योंकि नैब की जानिब से इनको समन जारी हुए हैं, ये लोग नैब के सामने पेश नहीं हो रहे, और इन लोगों का नाम ECL में भी डाला जाएगा। आपको मालूम है कि बी फॉर यू का जाली इमाम मस्जिद शेख मोहम्मद साकिब शामी, जो मलेशिया में बैठा हुआ है, जो मज़हब का प्रचार करके आवाम से लूट मार कर रहा है, उसके भी वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और इंटरपोल के ज़रिए उसको वापस लाया जाएगा। अभी क्योंकि खेल इस कदर दिलचस्प हो चुका है कि हमारे पास ये भी इतला पहुंची है कि सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे जब बाहर थे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो इंग्लिश में उन्होंने वीडियो बनाई, फिर साथ उन्होंने उर्दू में भी वीडियो बनाई। तो इंग्लिश में वीडियो इसलिए बनाई कि वो सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी चाहता है कि पूरी दुनिया में स्कैम करूँ ताकि अच्छे रुपये कमा सकूँ। अगला जो लायामल होगा सैफुर्रहमान ख़ान नियाज़ी का वो क्या होगा, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे एडम की। एडम तो ये दावा करता है कि नैब ने जो उसके अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं उसमें कितने पैसे हैं, लेकिन हम आपको नैब के वो फिगर बताएंगे कि नैब ने जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं उसमें इस वक्त कितनी अमाउंट मौजूद है। एडम के ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपये स्कीम का जो रेफरेंस है वो दायर हुआ है। आपको ये भी बता दें कि एडम की जो प्रॉपर्टी है जो नैब ने प्लज की हुई है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी है जो इन्होंने ख़रीदी है लेकिन कुछ सिर्फ उन्होंने डाउन पेमेंट दी थी, वो सारी चीज़ें कितने प्लाट हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो एडम ने अपने वालिद अमीन चौधरी के नाम पे ख़रीदी है, और अब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मेम्बरान हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अमीन चौधरी से भी रब्ता किया है, और अमीन चौधरी जो एडम के वालिद हैं उन्होंने कहा जी अनकरीब आपको पैसे वापस दे देंगे, जो प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर हैं उनको मैं सेल आउट करूँगा और आपका कैपिटल आपको रिफ़ंड कर दूँगा। लेकिन आपको ये बात बता दें कि अभी टोटल जो प्रॉपर्टी एडम के पास है तकरीबन 10 करोड़ रुपये की वो प्रॉपर्टी है, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी है जिस पे एडम ने सिर्फ डाउन पेमेंट दी थी। आज जो हमारे पास जो तफसीलात हैं वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, एडम अमीन चौधरी, फैसल अयूब खान, एडम अमीन चौधरी, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, APB प्रोजेक्ट्स एंड रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इनमें जो अमाउंट अभी पड़ी हुई है, बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो 201 मिलियन, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ के करीब ये रकम पड़ी है। 1.92 बिलियन का टोटल डिपॉजिट हुआ है, उसमें से 1.72 बिलियन एडम ने विड्रॉल दिया। अब ये पाकिस्तानी अवाम उन लोगों की रकम थी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हीं में से उठा के कुछ रकम इसने वापस कर दी है। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें आपको बता दें कि एडम के ऊपर जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें एडम अमीन चौधरी नामजद है, फैसल अयूब खान नामजद है, जवादुल्ला आदिल नामजद है, हसन पाशा नामजद है, मोहम्मद अमीन जो एडम के वालिद हैं वो नामजद हैं। अब इस रेफरेंस में जो नैब कहता है इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो पैरा नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है दैट द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द एक्यूज नंबर 1 एंड 2 इन कन्वेंस विद ईच अदर हैव कलेक्टेड 1.816 बिलियन फ्रॉम जनरल पब्लिक इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। फर्दर द कैश वाज आल्सो विड्रॉन बाय बोथ अक्यूज। दे परचेज प्रॉपर्टीज इन देयर ओन नेम एंड इन द नेम ऑफ रिलेटिव्स इन बहरिया टाउन, रावलपिंडी, सेंचुरी मॉल एंड आइकॉन मॉल पिशावर फ्रॉम क्राइम प्रोसीड्स।
दे आर बेनिफिशरी ऑफ क्राइम प्रोसीड्स एंड कमिटेड द ऑफेंस, जो नैब के ऑफेंस हैं अंडर सेक्शन 9A, 4, 9, 11 एंड नैब ऑर्डिनेंस 1999 रीड विथ सेक्शन 3 और 4 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो लोग कहते थे कि एडम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती, तो ये मैं रेफरेंस का वो पढ़ रहा हूँ कि जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन रहा है। इसके अलावा जो इसके फादर के मुतालिक लिखा हुआ है इस रेफरेंस में, द एक्यूज नंबर 5 इज द फादर ऑफ एक्यूज नंबर 1 एंड एसेट्स फ्रॉम परचेज इन हिज ओन नेम फ्रॉम क्राइम प्रोसीड इंक्लूडिंग अ लग्जरी व्हीकल प्राडो कार बिंग रजिस्ट्रेशन नंबर LEH 16177 विच वॉज परचेज बाई मेकिंग पेमेंट फ्रॉम द अकाउंट टाइटल ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट। The accused number 5 also summoned called numerous time but he did not cooperate with investigation and failed to record his version. कि भाई नैब ये कहता है कि एडम के जो वालिद हैं उनको भी समन जारी किए गए, उनके नाम पे ये गाड़ी निकली है LEH 16177 और वो पेश नहीं हो रहे। इसके अलावा ये कहा गया है that most of the business of the accused person were being operated through their website. In this regard the accused person have developed a very complex database. In fact, it is a multi-level referral fake scheme whereby the investor is encouraged to fetch further investment and deposit the same through his referral account. यानी कि referral account के through ये लोगों से payment लेते थे और उसमें कहते थे, अब जो properties हैं जो NAB ने pledge की हुई हैं उसमें Adam Amin Chaudhary के पास plot number 764 sector F1 phase 8 बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद, प्लाट नंबर 765, प्लाट नंबर 25, प्लाट नंबर 26 बहरिया स्प्रिंग्स कमर्शियल। इसके अलावा फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 14, फ्लैट नंबर 15 आइकन मॉल पिशावर में है, फैसल यू बंगश के नाम पे फ्लैट नंबर 5 है, फ्लैट नंबर 6 है, फिर एडम पे फ्लैट नंबर 5, 6, 2, 3, 4 सेंचुरी मॉल पिशावर में है। एडम के नाम जो पैराडाइज सिटी है उसमें प्लाट 179G, 180, 181, 368, 371, प्लाट 209G, 210G, 211, 212, 213, 214, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 160E, 427, 505, 508, 513E, प्लाट 764, 765, 766, 187, 209, 210, 244, 245, ये वो प्लाट हैं कि जो इन लोगों ने लिए हुए हैं, यानी कि सिर्फ डाउन पेमेंट दी है, बैरिया के प्लॉट हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है एडम की वो 10 करोड़ के लगभग है और जो इसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है वो 201 मिलियन है, यानी कि 20 करोड़ है। और एडम ये कहता है कि उसके 50 करोड़ उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। टोटली एडम आपसे झूठ बोल रहा है। ये वो रेफरेंस है जो नैब ने इस्लामाबाद की इत्साब अदालत में दायर किया है। नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद की इत्साब अदालत में जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में एडम पेश भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि अब नैब ने दोबारा से जिन अकाउंट्स में विड्रॉल लिए गए हैं, जिन अकाउंट्स में डिपॉजिट किया गया है, जिन इन्वेस्टर्स ने किए हैं उनके अकाउंट्स में फ्रीज होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नैब को मालूम हो चुका है कि एडम ने अब दोबारा स्कैम करने का प्लान जो बनाया हुआ है। नैब के पास और भी बहुत सी तफसीलात पहुँची हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि एडम ने किसी भी मेंबर को पैसे वापस नहीं करने, वो आपको सिर्फ लॉलीपॉप देगा, लॉलीपॉप वो वीडियो बनाएगा आपको। अब जमाल खान वीडियो बनाता है, ठीक है, लेकिन आपको जमाल खान भी, क्योंकि जमाल, एडम और दो चार और लोग हैं, ये टोटली एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी, ये लोग दावा करते हैं कि इनके बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज होंगे, बैंक अकाउंट्स इनके फ्रीज नहीं होंगे जब तक नैब का रेफरेंस है, नैब रेफरेंस का फैसला नहीं आ जाता। दूसरी जानब अगर हम देखें बी फॉर यू के जो लालची लोगों के मौसने पाकिस्तान है सैफुररहमान खान नियाज़ी, आज इस्लामाबाद की इत्साब अदालत में पेश नहीं हुए। जिस तरह मैंने बताया आमिर मुगल, शेख मोहम्मद साकिब शामी, मलिक नवीद, दीगर और लोग हैं, उनके अनकरीब वारंट गिरफ्तारी जारी होने लगे हैं, क्योंकि सैफुररहमान खान नियाज़ी ने अब आपको एक वीडियो बयान दो तीन दिनों बाद वो देगा और उसमें आपको वो लॉलीपॉप देगा, वो कहेगा जी देखें मैं पहले भी डिलीवर करता रहा, अब भी मैं डिलीवर करूंगा, मैं लीगल करूंगा, मैं ये करूंगा, आप इस तरह करें एक्टिवेशन चार्जेस मुझे दें जिन लोगों के अकाउंट्स हैं। आपको ये भी मालूम है कि एडम ने भी आपसे कहा था कि जिन लोगों ने डिपॉजिट करवाया है वो चीज़ें दें। अब मैं अनकरीब जो है एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि एडम के पास किन किन लोगों ने कैश पेमेंट जमा करवाई है, वो लोग कौन कौन हैं, उन्होंने कितनी कितनी अमाउंट दी है। और एडम साहब अब कश्मीर में तो है नहीं, वो कराची रफू चक्कर हो चुके हैं, क्योंकि कश्मीर में आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मुतासरीन हैं उन्होंने अब दावा बोलना शुरू कर दिया है। ज़ाहिर बात है एडम बाहर आ गया है, वो लोगों को
बरगला रहा है, लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना कैपिटल तो चाहिए। सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के हवाले से आपको अपडेट दे दें कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी अब जो वीडियो बनाएगा उसमें आपको कहेगा जी आप मुझे टाइम दें 1-2 माह का, तो उसके बाद मैं आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस करूँगा। इन द मेन टाइम वो ज़मीनी रास्ते इस मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहा है। जो उनके मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज, उनके ऊपर ऑलरेडी लाहौर के 2 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम राजा रियाज के ऊपर होगा, जो उनकी हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी थी जिसमें इन्होंने स्कैम किया है। मुतासरीन के साउंड बाइट्स आपको, यानी कि मुतासरीन के बयान आपको सुनाएंगे। FIRs हम चलाएंगे। लाहौर के जिन लोगों ने हमारे से राबता किया है उनको बताएंगे कि जब लास्ट नवंबर में 2021 नवंबर में राजा रियाज गिरफ्तार हुआ था तो उसने मदईयों को ये कहा था जी मेरे भाई की तबीयत बहुत नासाज है, आप मुझे ज़मानत दिलवाएं, मैं आपको 1 हफ्ते में पैसे रिफंड करूंगा। वो 1 हफ्ता आज तक नहीं आया, लेकिन इस हवाले से कल आपको वीडियो बनाएंगे, FIR की कापियाँ चलाएंगे। आप खुद अंदाजा कीजिएगा कि राजा रियाज भी कितना बड़ा नुसरबाज है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।